तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है. तो इसी की वजह से मैंने फर्स्ट मूवी को बहुत एंजॉय किया क्योंकि बहुत डिफरेंट था मेरे लिए टेलीविजन से. यहाँ का बहुत ही कमाल की रोमांटिक फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है विंटर टेल एट शिमला. और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं योगेश सर एंड जो इसमें मेन लीड प्ले कर रही हैं गौरी मैम वो मेरे साथ मौजूद हैं. सर हेलो. हेलो हाउ आर यू. आई एम गुड सर. मैम हाय. बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा मैंने देखा ट्रेलर यूट्यूब पे. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर इसमें डिले हुआ है कुछ मूवी में क्योंकि ट्रेलर 3 महीने पहले का आप यूट्यूब पे. हाँ दैट राइट. मैंने ये ट्रेलर दिखाया था व्हेन आई वाज रेडी विद द फिल्म. तो उम्मीद कर रहा था कि मार्च तक फिल्म को मैं रिलीज़ कर लूँगा बट क्योंकि मैं नया था मैंने थोड़ा टाइम एस्टिमेशन मेरा ठीक नहीं हुआ. अच्छा. तो करते करते फिर जब बीच में आईपीएल का सीज़न आ रहा है तो सब ने मेरे को बोला कि नहीं बार और बड़े रिलीजेज भी थे जी. तो 12th में की ही डेट मुझे सब ने बताई एडवाइस करी. ओके. अदरवाइज मैं फिल्म को लेकर जनवरी में रेडी था. ऑलराइट. मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट मूवी. आपने टेलीविजन में तो बहुत अच्छा काम किया है. माई मदर इज़ अ बिग फैन. तो आप ये बताइए कि आपका मूवी में काम करने का एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा. एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा. जैसे कि मैंने पहले भी बोला काम करने का तरीका टेलीविज़न और फिल्म का अलग अलग है. आराम से काम होता है. बहुत टाइम मिलता है आपको अपने कैरेक्टर पे काम करने के लिए. वर्कशॉप्स होते हैं और टेलीविज़न का फास्ट काम होता है. इट्स लाइक अ फैक्ट्री रोड जाओ शूटिंग करो. तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है. तो इसी की वजह से मैंने फर्स्ट मूवी को बहुत एंजॉय किया क्योंकि बहुत डिफरेंट था मेरे लिए टेलीविज़न से. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके फैंस आपको मूवी में देखेंगे. आपके थोड़े से किरदार के बारे में अगर बता दें थोड़ा सा अपना ग्लिम्प्स दे दें अपने किरदार का. तो बेसिकली एक यंग जो वैदेही नाम है मेरा फिल्म है. यंग वैदेही है और ओल्ड वैदेही की कहानी है. तो जो यंग वैदेही है बहुत फुल ऑफ लाइफ है फुल ऑफ एनर्जी है एडवेंचरस है लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है. एंड देन शी फॉल्स इन लव. फिर हालात की वजह से शादी नहीं होती एंड देन शी गेट्स मैरिड टू समबडी एंड सेटल्स समवेयर एल्स. और बहुत सालों के बाद वापस जो वो उनके लाइफ में वापस आते हैं और शी डजंट हैव अ वेरी गुड लाइफ. मतलब शी इज कंटेंट बट जैसा होना चाहिए था उसने जैसे अपने ड्रीम्स देखे थे वो वैसा उनका लाइफ नहीं है. तो वो जो वापस आता है उनका लवर उनकी लाइफ में और उनको कैसे इंस्पायर करता है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए इनडायरेक्टली नॉन डायरेक्टली. तो द स्टोरी इज अबाउट दैट. वाओ सर बड़ा स्टोरी. सर आपने राइटिंग लिखी है राइट. हाँ कहानी भी लिखी फिर डायरेक्शन भी किया प्रोडक्शन भी किया. तो दिस इज़ एंटायरली माय बर्डन. और मुझे बहुत मज़ा आया करके. इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इतनी अच्छी कहानी लिखने की और ये क्योंकि एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है तो एक कैसे दूसरी रोमांटिक फिल्मों से डिफरेंस होगी. एक तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज मैच्योर लव स्टोरी इज अ टेल ऑफ क्लासिक लव जी. विंटेज क्वालिटी ऑफ लव विच इज़ फुल ऑफ यर्निंग सैक्रीफाइस एंड I must explain the modern love today is about making claims at each other and vintage classic love is about not making claims at each other and letting the other person be and you actually nurture the other person. You actually help the other person realize his or her dreams rather than put your own restrictions ki aisa nahi waisa karo. So aur women centric film hai aur true sense mein women emancipation ki it's not only women have rights but also that women has a space freedom to aspire for and break the glass ceiling. तो ये caged woman जो है एक आम ये inspiration मैंने अपनी माँ पर मैंने बताया मैं inspiration probably is from my elder sister from my mother. I saw them caged. Okay. I saw them caged. Okay okay. तो अब वो किस तरह से मतलब जो उनका पोटेंशियल था लाइफ का उन्होंने नहीं पूरा एंजॉय कर पाए. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी सर. आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो गाइज आप लोग भी 12 मई को जाके इस फिल्म को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जरूर देखिएगा. विंटर टेल एट शिमला रिलीजिंग ऑन 12th मई इन सिनेमाज नियर यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.